नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हेल्दी वेल्दी यू में। मैं नवनीत, आपका होस्ट और दोस्त। दोस्तों, पिछले कई वीडियोस में हमने बात करी थी बिहेवियरल एडिक्शन पे, अबाउट मोबाइल एडिक्शन। उसी टाइम पे मैंने आपको एक और बात बताई थी कि जो अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन और निकोटीन एडिक्शन होती है, ये सब्सटेंस एडिक्शन होती है। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक उठा रहे हैं, जैसा कि आपने टाइटल में भी पढ़ा होगा, ये है अल्कोहल एडिक्शन पे। शराब एक ऐसी चीज़ है जो दुकानों पे आम मिलती है। सुबह 8 बजे से या 10 बजे से शाम के 10-11 बजे तक सेल होती है और एक एडल्ट जाके वहाँ से शराब की बोतल खरीद सकता है। दोस्तों, एक बात मैं शुरू में ही क्लियर करना चाहूँगा कि हर एक शराब पीने वाला इंसान शराबी नहीं। शराबीपन एक बीमारी है जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिजीज घोषित किया है। दोस्तों, ये बीमारी है जो ये 100 पीने वालों में से 7 या 8 लोगों को होती है। हर एक इंसान जो शराब पीने वाला है, इस बीमारी की चपेट में नहीं आता। लेकिन होता क्या है कि कुछ दोस्त हमारे में से ऐसे होते हैं जो इस भीड़ से अलग हो जाते हैं शराब पीने वालों से, और वो शराबी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। एक बहुत मज़े की बात है दोस्तों, जब पहली बार इंसान शराब उठाता है तो उसने ये सोचा नहीं होता कि वो आगे जाके शराबी बनेगा। लेकिन समय के साथ उसकी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जो उसकी बॉडी के अंदर शराब की ओवरऑल डिमांड को पैदा करते हैं। अब दोस्तों, ये जो बीमारी है सब्सटेंस एडिक्शन है, ये बीमारी कैसी बीमारी है, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। ये जो शुगर की बीमारी, जैसे डायबिटीज होता है, वैसे ही दिस इज समवट सिमिलर टू डायबिटीज। जैसे शराबी है, उसने शुरू में नहीं सोचा था कि उसने शराबी बनना पहला बैग उठाते टाइम, वैसे ही जिसने पहली बार चीनी खाई थी उसने नहीं सोचा उसको डायबिटीज होगी। डायबिटीज वाला इंसान ऐसा नहीं ज़्यादा चीनी खाता था या घटिया क्वालिटी की चीनी खाता था, गलत समय पर चीनी खाता था, ऐसा नहीं था। वो भी नॉर्मल लोगों की तरह चीनी खा रहा था, लेकिन उसके शरीर के अंदर उसके जीन्स इस तरह से बने हुए हैं कि कुछ समय के बाद उसके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे चेंजेस आए जिसकी वजह से डॉक्टर ने बोला कि आप चीनी नॉर्मली नहीं खा सकते, आपको डायबिटीज है। वैसे ही शराब की बीमारी होती है। उस इंसान ने नॉर्मली शराब पीनी शुरू हुई। होता क्या है, जब हम पहली बार शराब पीते हैं तो हमारे दिमाग के अंदर शराब पीने के रिसेप्टर्स तैयार होते हैं। ये रिसेप्टर की संख्या हर एक शराब पीने की ओकेजन के साथ बढ़ती जाती है। अब इशू क्या है कि ये शराब के रिसेप्टर्स निकाल देने की एक प्रक्रिया होती है। नॉर्मल इंसान जिसको शराबीपन की दिक्कत नहीं है, जिसके जीन्स के अंदर वो प्रॉब्लम नहीं है या जिसकी बॉडी के अंदर वो दिक्कत नहीं है, वो इंसान की बॉडी से आराम से वो रिसेप्टर्स निकल जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। लेकिन जिसमें ये शराबीपन की टेंडेंसी है शराबी बनने की, या उसकी बॉडी इस तरह से बनी हुई है कि वो शराब के लिए, उसकी बॉडी के अंदर ये रिसेप्टर निकाल देने की प्रक्रिया धीमी होती है, लिथार्जी होती है, स्लो होती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी से रिसेप्टर्स नहीं निकल पाते। और ये उसके दिमाग के अंदर रिसेप्टर्स बढ़ते जाते हैं, उनकी यूनियन हो जाती है और वो और शराब की डिमांड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक शराब पीने वाला शराबी नहीं होता। 100 लोग शराब पी रहे हैं तो उसमें 7 या 8 लोग ऐसे होते हैं, लेकिन वो 7 या 8 लोग कौन है, ये कैसे पता चलेगा? अब इस एडिक्शन के साथ भी एक प्रॉब्लम है कि इसका डायग्नोसिस एक बहुत बड़ा इशू है। कोई लैब टेस्ट नहीं है कि इंजेक्शन लगाया और चेक कर लिया कि ये पर्सन शराबी है या इसको शराबीपन की दिक्कत है। इसका पता सिर्फ इंसान खुद अपने आप से लगा सकता है। इसके लिए, पता लगाने के लिए कुछ अलग अलग तरह के क्वेश्चनियर्स होते हैं जिनके थ्रू साइकेट्रिस्ट रन थ्रू करते हैं, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस जिनके गो थ्रू रन करते हैं, और इंसान को खुद डिसाइड करना है उस क्वेश्चनियर के बाद इधर ही हैज अ प्रॉब्लम, ही और शी हैज अ प्रॉब्लम और नॉट। दोस्तों, इस बीमारी का पता चलने, ये डायग्नोसिस कैसे होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, और ये जो प्रॉब्लम है ये
ये कितनी प्रेवलेंट है ये हम आने वाले वीडियोस में आपको बताएंगे। आप लोगों ने सुना उसके लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू।